महीना बड़े शुभ संकेतों का परिश्रम से भरपूर लाभ का आप हर बार नई गलती करते हो तो समझ लीजिए कि आप उन्नति के उचित मार्ग पर हो क्योंकि एक ही गलती जब व्यक्ति बार बार करता है तो वह उन्नति कर नहीं सकता एक गलती हुई उसे दुरुस्त कर और उसके अनुसार आपने आचरण में विचारों में बदलाव किया लेकिन पुनश्च नई गलती हुई इसका अर्थ है कि आप उन्नति के मार्ग पर हो मूल नक्षत्र के चार चरण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चार चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण ऐसे कुल नौ चरणों से धनु राशि बनी है यह अग्नि तत्व की द्विस्वभाव राशि है गुरु महाराज उसके स्वामी है अपना ध्येय निश्चित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करने वाले लोगों के राशि के रूप में राशि की विशेष पहचान है नमस्कार मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हम जनवरी 2023 महीने के राशि फल को समझ रहे हैं उसमें आज हम धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे साथ ही वीडियो वीडियो के अंत अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी तक देखें व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज मीन राशि अर्थात अपनी दूसरी राशि में और आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उनके द्वारा हंस राजयोग का निर्माण हुआ है वहाँ से उनकी दृष्टि आपके अष्टम दशम और व्यय स्थान पर है उसी समय सप्तमेश और दशमेश बुधदेव आपकी राशि में आए हैं कुल मिलाकर इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक पद्धति से विकसित होने वाला है आप टारगेट ओरिएंट तो होते ही है विशेष लक्ष्य को सामने रखकर आप मार्गक्रमण करते हैं इस महीने गुरु और बुध देव की स्थिति देखी जाए तो आपके लिए उन्नति के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं इसलिए इस समय काल का उपयोग कीजिए धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शनि महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे आपके धनेश हैं वे आपके तृतीय स्थान में विराजमान है साथ ही आपके धन स्थान में भाग्य रविदेव आए हैं भाग्य में होता है तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती है परिवार में वृद्धि होने की संभावना है लेकिन जैसा हमें पता है कि रविदेव उग्र ग्रह माने जाते हैं और शनिदेव की राशि में निर्बली होते हैं परिणाम स्वरूप घर में उग्रता बढ़ने वाली है वातावरण अशांत हो सकता है लेकिन आर्थिक धन लाभ निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए सम्मिश्र परिणाम देने वाला होगा ऐसा कह सकते हैं पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें धनु राशि की साढ़े साथी पिछले महीने ही समाप्त हुई शनिदेव आपके तृतीय है और वे तृतीय स्थान में विराजमान है उपचय स्थान होने के कारण शनि देव को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है पिछले साढ़े सात वर्षों में साढ़े साती द्वारा जो कठिनाइयां उन्होंने आपको दी है उनका वे अभी परिमार्जन करेंगे उन्नति के कई अवसर आपके लिए निर्माण करेंगे जिस कारण आपके लिए अत्यंत शुभ काल निर्माण हुआ है इस काल में आपके परिश्रम की दिशा भी उचित रहेगी उससे आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे क्योंकि आपके परिश्रम में शनिदेव अपनी वायु तत्व की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है इसीलिए इस समय काल का पूरा लाभ उठाइए वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके चतुर्थेश भी है महत्वपूर्ण बात है कि अब वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान हैं उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उनके द्वारा वहाँ हंस राजयोग का निर्माण हुआ है जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है इसीलिए उसके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे घर में सुख शांति बनी रहेगी माता जी का प्रेम एवं आशीर्वाद प्राप्त होंगे कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए अत्यंत शुभ है ऐसा हम कह सकते हैं सदुपयोग कीजिए शिक्षा संतति प्रेम विवाह आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो शिक्षा के दृष्टि से यह काल धनु जातकों के लिए अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा विशेष रूप से फार्मेसी मैनेजमेंट मैकेनिकल जैसे क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले जातकों को बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है प्राथमिक शिक्षा लेने वाले जातकों को भी बड़ी सफलता मिल सकती है माध्यमिक शिक्षा लेने वाले जातकों को थोड़ा अधिक परिश्रम करने के बाद सफलता प्राप्त होगी और उच्च शिक्षा लेने वाले जातकों के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना आवश्यक रहेगा तभी अपेक्षित सफलता मिलेगी इस बात को धनु जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए प्रेम विवाह या आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो यह अवधि उसके लिए शुभ माना नहीं जाएगा इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें यह सलाह आपको दी जाती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना धनु जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है जिनकी इस काल में प्रतियोगिता परीक्षा हो उन्हें सफलता मिल सकती है कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका प्रश्न उचित हो तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना अधिक है इसीलिए आपने उस दृष्टि से प्रयास बढ़ाने ही चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है प्रतिस्पर्धी स्वयं पीछे हट जाएंगे लेकिन आप तनाव में रहेंगे इसीलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें यह सलाह दी जाती है नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों दृष्टियों से धनु जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी काल निर्माण हुआ है ऐसा हम कह सकते हैं धन प्राप्ति के योग पदोन्नति के योग व्यवसाय में वृद्धि के योग ऐसे विभिन्न प्रकार के शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं संक्षेप में कार्यस्थल पर आपकी उन्नति होगी इसलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए विदेश में स्थित धनु जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी इस काल में विभिन्न शुभ अवसर निर्माण होने वाले हैं नौकरी में पदोन्नति मिलना नए प्रोजेक्ट मिलना व्यवसाय में वृद्धि होना जैसे कई शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे इसीलिए उन्होंने भी इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए जब समय लाभकारी होता है तब अपने प्रयास परिश्रम बढ़ाने चाहिए ताकि लाभकारी समय का पूरा लाभ उठाया जा सके इस बात को धनु जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है विशेष रूप से साढ़े साथी समाप्त कर शनि महाराज का तृतीय स्थान में जो आगमन हुआ है उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं साथ ही कुंडली के चतुर्थ स्थान में निर्माण हुआ हंस राजयोग भी अत्यंत बड़ा शुभ संकेत है गत कई दिनों से जिनकी विदेश जाने की इच्छा थी लेकिन किसी न किसी कारण से उसमें बाधाएं निर्माण हो रहे थे उनकी इच्छा इस काल में पूर्ण होगी अर्थात आपके लिए परदेश गमन के योग निर्माण हुए हैं इसीलिए जिन्हें विदेश जाने की इच्छा है उन्होंने अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए इस प्रकार है राशि के लिए, तो लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे आपके कर्मेश है महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान स्थिति में वे आपके राशि में ही विराजमान है कर्मेश जब स्वयं राशि में होता है तब वह जातक को अधिक कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है वैसे भी धनु जातक अपना ध्येय निश्चित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करते हैं अर्थात वे अपने कर्म को प्राथमिकता देते हैं आपके राशि स्वामी चतुर्थ स्थान में और अपनी ही दूसरी राशि में विराजमान है वहाँ से उनकी शुभ दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है कुल मिलाकर इस काल में आपके कर्म अच्छे रहेंगे उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबें प्रकाशित हो चुकी है उनका अवश्य लाभ लीजिए लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे आपके लाभेश हैं शुक्रदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में परिश्रम के स्थान में और दूसरे पखवाड़े में सुख स्थान में सुखेश के साथ विराजमान है कुल मिलाकर लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे क्योंकि जब वे आपके परिश्रम स्थान में होंगे तब लाभ स्थान के साथ उनका नवपंचम होगा योग होगा विभिन्न माध्यमों द्वारा वे आपको लाभ प्रदान करेंगे वास्तु से वाहन से शेयर्स से पुरानी मशीनरी से जमीन से ऐसे विभिन्न माध्यमों द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके व्यय खर्च की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य जीवन को सामान्य खर्च सदैव लागू रहते हैं वे इस महीने आपके लिए लागू रहेंगे विशेष रूप से यात्रा पर वास्तु पर मौज मस्ती पर वाहन पर आपका खर्च हो सकता है साथ ही थोड़ा मेडिकल का खर्च भी दिखाई दे रहा है लेकिन अधिक खर्च इस महीने नहीं रहेंगे जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकते महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए आठ सत्रह और छब्बीस यह दिन विशेष रूप से सुखदायक तथा शुभ रहेंगे साथ ही पाँच पंद्रह और तेईस यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे इन दिनों में आप कठिनाइयों बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे तो यह मानसिकता आपको पहले से ही बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का शुभ चीजों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है फरवरी महीने के उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि परिवर्तन कर अपनी वायु तत्व की राशि में गए हैं लेकिन राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में विराजमान है इस स्थिति के अनुसार उपाय है कि आपके राशि के मंत्र का पठन ग्यारह बार राहु का मंत्र चार बार केतु का मंत्र दो बार पठन करना है लेकिन राशि के मंत्र का पठन सुबह और राहु केतु के मंत्र का पठन ग्यारह से बारह के अंतराल में करना है उस अनुसार धनु राशि के लिए मंत्र बताया जाए तो सबसे पहले राशि का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे इसके बाद राहु का मंत्र ओम मंत्रीम सह राहवे अंत में केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस पद्धति से आपको मंत्रों का पठन करना है उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा आने वाला 2023 आपके लिए कैसा तथा शनि महाराज के राशि परिवर्तन का आपके राशि पर प्रभाव कैसा यह समझाने के लिए हमने कुल 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं अपनी राशि का आप देखिए दोस्तों को रिश्तेदारों को उनकी राशि का शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो जय ज्योतिष लिखना न भूले पुनश्च अवश्य मिलेंगे धन्यवाद शुभम भवतु जय ज्योतिष प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद